के साथ सबने भोजन किया और हेमा चलने कारबार और वैदिक विधान के साथ किए और शुभ लग्न मुहूर्त के आते और गिरजा के पीले हाथ किए। बड़ा हंसी खुशी के साथ शादी गई और गिरजा की संगी पिता भाई और ये गिरजा कैलाश पर्वत पे चली गई है। जब ये कैलाश पर्वत पे रहने लगी तब इनके एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम कार्तिकेय रखा गया और कार्तिकेय के हाथों से उस तारक नाम के राक्षस का वध होता है। इस तरह से भोले बाबा की दूसरी शादी हेमांचल की लड़की गिरजा के साथ भाई भोले शंकर भगवान लगी और आगे बढ़े। उससे पहले ना एक लाल का छोटा सा कीर्तन हो जाए फिर आगे देखते हैं। सब लोग बोले कीर्तन ताली बजाते हुए